अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। और दोस्तों, मेरे चैनल में 1K सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, मुझे सपोर्ट किया है और मेरी वीडियो को पसंद किया है। आगे भी आप लोग मुझे इसी तरीके से प्यार देते रहें, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली दोस्तों में शेयर करते रहें, मुझे प्रमोट करते रहें। तो दोस्तों, मैंने घर पर ही 1K सब्सक्राइबर की खुशी में स्वीट डिश तैयार किया था और ये कैरेमल खीर की रेसिपी है। तो आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाई गई खीर की रेसिपी है। वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चले दोस्तों, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। खीर बनाने के लिए हमें सबसे पहले 100 ग्राम चावल लेना है और चावल को हमने 2 घंटे के लिए वॉश करने के बाद सोक कर लेना है। जब हमारे चावल 2 घंटे तक सोक हो जाए उसके बाद इसका पानी ड्राई कर लेना है और आपको ब्लेंडर में डालकर इसे दरदरा सा पीस लेना है। इसे बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आपको नहीं पीसना है। उसके बाद हमें 1 लीटर दूध लेना है। दूध में जब एक बॉईल आ जाए तो हमने जो चावलों को पीस कर रखा था वो इसमें ऐड करेंगे और हाई फ्लेम पर हमें मुस्तकिल चम्मच हिलाते हुए चावलों को पकाना है। और ये प्रोसेस हमें बहुत स्पीड से करना है। जैसे ही आपने चावल शामिल किया है और आपने हाई फ्लेम पर मुस्तकिल खीर में चम्मच हिलाते रहना है, इससे ये होगा कि हमारी खीर में जो है वो किसी भी तरह की गुठलियाँ नहीं बनेंगी। और हमने इसे 10 मिनट तक कुक करना है। इतनी देर पकाएंगे हम खीर को कि खीर हमारी थिक हो जाए। अब इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 ड्रॉप वैनिला एसेंस और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कोको पाउडर। इन तमाम चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है और खीर को हमने 10 मिनट तक कुक करना है। जब खीर हमारी बिल्कुल थिक हो जाएगी और इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कि खीर हमारी बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है और इसे पकते हुए 10 मिनट हो गए थे। अब हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पर हमने खीर को कवर करके रख देना है। अब चलते हैं इसके कैरेमल की तरफ। और कैरेमल के लिए हमने लिया है 200 ग्राम चीनी और चीनी को हमने मेल्ट करना है और इसका कैरेमल तैयार करना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर चीनी को हमें मेल्ट होने तक पकाना है। तो दोस्तों, चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो चुकी है और इस प्रोसेस में हमें तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे और चीनी का कलर भी चेंज हो चुका है। चीनी हमारी लाइट गोल्डन कलर की हो चुकी है और ये ट्रांसपेरेंट भी हो चुकी है। अब फ्लेम को ऑफ कर देना है और ये हमारा कैरेमल तैयार है। अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। इसके लिए हमने खीर का फ्लेम को हाई कर देना है और हाई फ्लेम पर हमें खीर में तमाम कैरेमल को शामिल करना है और इसे अच्छे से डिज़ोल्व करना है। आपने यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि आपका कैरेमल भी गर्म होना चाहिए और आपकी खीर भी गर्म होनी चाहिए। अगर आपने खीर को गर्म नहीं रखा तो आप कैरेमल इसमें ऐड करेंगे तो कैरेमल इसमें डिज़ोल्व नहीं होगा। इसलिए आपने खीर को गर्म रखना है और कैरेमल को भी। तमाम कैरेमल हमारे खीर में बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इसमें किसी किस्म का कोई भी लम्स नहीं आया है। हमारी खीर बिल्कुल परफेक्ट है। और ये तमाम प्रोसेस में खीर को तैयार करने में हमें तकरीबन 30 मिनट्स लगे थे दोस्तों। तो ये हमारी कैरेमल खीर तैयार है और ये बहुत ही टेस्टी और ये बहुत ही मज़े की बनी थी। और जब तमाम कैरेमल इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा तो हमारी खीर का जो कलर है वो लाइट गोल्डन कलर का हो जाएगा। अब फ्लेम को कर देना है ऑफ और खीर को हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेना है। जब खीर को आप रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे तो इसे एक बाउल में निकाल लें और इसे पिस्ते बादाम या आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों आप उसे इसकी गार्निश करें और इसे फ्रिज में खूब ठंडा करने के बाद इसे सर्व करें और इन्जॉय करें। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी लाजमी कर लें। और मेरी रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत दे, हमारे खानों में जायका दे और हमारे दस्तरखान को वसी करे। अल्लाह हाफिज़।